हेलो एवरीवन, मैं हूं राज चौहान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको स्नैपचैट में किसी भी पर्सन को आपको ब्लॉक करना है या फिर अनब्लॉक करना है तो कैसे आप उसे ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि स्नैपचैट में जो भी ब्लॉकिंग या फिर अनब्लॉकिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। तो कैसे आप किसी को ब्लॉक या फिर अनब्लॉक कर सकते हैं उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आपको स्नैपचैट में किसी भी पर्सन को ब्लॉक करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करना है स्नैपचैट एप्लीकेशन को और उसके बाद आपको जाना है चैट सेक्शन पे। तो जैसे आप चैट सेक्शन पे जाते हैं तो आपको ओपन करना है उस प्रोफाइल को या फिर उस पर्सन के प्रोफाइल को आपको ओपन करना है जिसे आपको ब्लॉक करना है। तो जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो आपको सबसे ऊपर आपको उस पर्सन की प्रोफाइल में आपको 3 डॉट ऑप्शन मिलते हैं तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मैनेज फ्रेंडशिप का एक ऑप्शन मिलेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप मैनेज फ्रेंडशिप पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो है ब्लॉक कर देना है। तो आपका जो पर्सन है वो ब्लॉक हो जाएगा आपकी प्रोफाइल से या फिर आपकी स्नैपचैट से। और उसके बाद अगर आपको अनब्लॉक करना है तो कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले आपको बैक आना है और आपको जाना है अपनी प्रोफाइल पर। इस बार आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है। तो जैसे आप प्रोफाइल पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना होता है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सबसे नीचे आपको ब्लॉक का एक ऑप्शन मिल रहा है तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो लिस्ट आपको शो हो जाती है जो कि आपने स्नैपचैट में जिस भी पर्सन को आपने ब्लॉक किया है, तो जिसे आपको अनब्लॉक करना है उसके सामने आपको क्रॉस का एक ऑप्शन मिल रहा है उसकी प्रोफाइल के आगे, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रॉस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अनब्लॉक का एक ऑप्शन शो हो जाता है तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप अनब्लॉक पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका जो पर्सन है जिसे आपको अनब्लॉक करना है वो अनब्लॉक हो जाएगा आपकी स्नैपचैट प्रोफाइल से। तो दोस्तों, इस तरीके से आप स्नैपचैट में किसी को भी अगर आपको ब्लॉक करना है या फिर अनब्लॉक करना है तो आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।